श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसलिए आज भी नींबू और मिर्ची हमारे यहाँ शास्त्र रीति है महाराज, चार चीजें बेटी की विदाई में नहीं देते। कितनी चीजें? चार। पहली झाड़ू, क्या दूसरे नंबर पर चलनी, आटा छानने की चलनी, दूसरे नंबर पर चलनी, तीसरे नंबर पर सुई और चौथे नंबर पर आचार की भरनी बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। अगर ये चार चीजें बेटी की विदाई में, माँ बाप ऐसे होते हैं कि कुछ सोचते ही नहीं है, मेरी बेटी जा रही है, रख दे अचार रख दे, तो माँ उन भी इतने प्रेम से अचार की बरनी भर भर के रख देती है। उनको समझाओ, जिसके घर में ये चार चीजें मायके की चली जाती है, सुई, झाड़ू, चलनी और अचार, उसका घर फूटने में देरी नहीं लगती। याद रखिए, उसके घर में फूट डले, पति पत्नी में फूट डलेगी, सास बहू में फूट डलेगी, भाई भाई में फूट डलेगी। तो लोग कहते हैं अच्छा खासा परिवार था, जब से बहू आई तब से घर में ऐसा उपद्रव मच रहा। उपद्रव क्यों मच रहा है? उसका कारण है क्योंकि तुम उसके घर का अचार खा गए, वो बनवा के लिए तुमने खा लिया। और अभी भी कह रहे हो हमारी बहू की माँ बहुत अच्छा अचार बनाती है, तुम मंगवा लो। महाराज पहले बेटी की विदाई में भेजते थे बड़ी पापड़, और पहली विदाई में बेटी के भेजते थे बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी, एक डलिया में कपड़े में बांधता, उसमें ना तो नमक डलता था ना उसमें शक्कर डलती थी। क्यों? क्योंकि वो बेटी के विदाई में मैदे की पूड़ी इसलिए दी जाती थी कि हमने ये पूड़ी एकदम फीकी भेजी है, अब चाहे तुम इसमें नमक डालो चाहे इसमें शक्कर डालो, हमने तो हमारी बेटी को तुम्हें दे दिया एकदम सीधी मैदे की पूड़ी की तरह भेजी है, अब तुम इसमें चाहे कपट भरो चाहे प्रेम भरो, तुम्हारी मर्जी है, हमने तो दे दी। कन्यादान करे और हम फीरी तो देना थी दे, इसलिए बेटी के साथ में मैदे की पूड़ी भेजी। मैदे की क्या बोलते हैं? खाजा बोलते हैं। खट्टा तीखा नहीं देते, तो पहले तो ब्राह्मण की थाली में भी खट्टा नहीं परोसा जाता था, तीखा भी मिर्ची भी इतनी नहीं डालते थे कि ब्राह्मण की थाली में तीखा। आज के जमाने में तो पंडित लोग ही कहते थे लाओ जरा अचार हो तो लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।